फेरी लेके जाएंगे और इतना क्लोज व्यू देख रहे हैं हम इसका। हम धीरे धीरे नियाग्रा फॉल की तरफ पहुंच रहे हैं और व्यू बहुत बढ़िया। आज थोड़ा सा मौसम सनी है, बच्चे लोग भी कहीं थोड़ा सा चल रहे हैं फिर कहीं बैठ जा रहे हैं। वो हम लोगों ने खाने के लिए बहुत कुछ सामान लाया था लेकिन सारा गाड़ी में छोड़ के आ गए। हम चाहते थे कि यहाँ पे आके थोड़ा सा पिकनिक टाइप से मनाएं लेकिन अब अच्छा क्या नहीं लेके आए, कोई ज़्यादा इस तरह से लोग बैठ के खा पी नहीं रहे। बाकी कहूँगा वेदर इज़ वेरी गुड, लिटल सनी बट यहाँ आके हवाएं अच्छी चल रही है, मौसम काफ़ी बढ़िया है। तो वी आर ट्राइंग टू गो एट वेरी नियर टू द नियाग्रा फॉल, आपको भी लिए चलते हैं नियाग्रा फॉल के पास। बच्चे तो कह रहे हैं कि उन्होंने वो करना है, जिपलाइन करना है, बोट में जाना है, जाएंगे अभी वापस आके। मैंने कहा एक बारी नियाग्रा फॉल तक जाते हैं उसके बाद जाएंगे बोट में। बोट का भी एक अलग एक्सपीरियंस है अगर नियाग्रा फॉल आते हो तो। लाल कृष्ण अडवाणी जी, ये तो नॉर्मल वाले है ना स्पेक्स। हां सनग्लास तो इतना दिस दे नहीं चाहते ना मेरे बार बार दिया ये। यार ये जगह बैठने को तो बढ़िया है, बैठने करनी है यार। ये हम बहुत पास आ गए हैं नियाग्रा फॉल के, इससे ज्यादा पास जाके तो फिर थोड़ा सा कम दिखता है। और ये यूएस की फेरी है जिसमें ये ब्लू कलर वाले यूएस के हैं और अगर आप देखेंगे रेड कलर वाले तो वो कनाडा के हैं। यहाँ पे लोग काफ़ी नज़दीक पहुँच के भी उसके नीचे उतरते हैं लेकिन हम नहीं उतर रहे। हमारा प्लान है इसमें फेरी में जाने का। आप ये देख सकते हैं नियर बाय कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़ारा है, लोग कितने आए हुए हैं यहाँ पर। World's biggest fall in the world.
चलो चलो जैसा टीवी पर आएंगे। ये तो एक ये वाली बनाते हो ना तो ये टीवी में दिखती नहीं है। अच्छा, टीवी में लैंडस्केप। अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग कर रहे हैं नियाग्रा फॉल के, जो क्या बोलते हैं उसको, क्रूज के लिए हम बोर्डिंग कर रहे हैं, क्रूज के लिए बोर्डिंग कर रहे हैं सब लोग। हाँ, ये नियाग्रा फॉल का टिकट है, वॉयस टू द फॉल्स। हमने टिकट ले ली है वॉयस टू द फॉल्स और यहाँ से हम फेरी लेके जाएंगे और इतना क्लोज व्यू देख रहे हैं हम इसका। वेलकम वहाँ पे है। अब हम आ चुके हैं नियाग्रा फॉल की लिफ्ट में। अब यह आ गए हम नियाग्रा फॉल्स में नीचे, जहाँ से बोट लेनी होती है। तो इट्स ए अमेजिंग एक्सपीरियंस, वी पीपल आर हेयर। हाँ, और क्या, तो हर जगह खींचते हैं। दुबई में जिस भी मॉल में जाएं वही खींच खींच के, एक्वेरियम हो कुछ हो। मुगले गड्डे हिलेश बाकी हूँ तो ये पता ही नहीं लगते सारे किन्ने कह के। हम लोग फटाफट नंग जुए जे खत्म हो जाएगी, पानी खत्म हो गया। क्यों, पानी खत्म हो जाएगा? तुसी मेरी बना लियो। सेल्फी मोड ते है। ਅਸੀਂ ਨਿਆਗਰਾ ਆਏ ਸੀ। ये जो वाटरफॉल है ये अमेरिका की साइड वाला है, यूएस वाला। अब हम यूएस का ये फॉल देख रहे हैं।
अब हम यहाँ पे आ गए, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ पानी पानी दिख रहा है। अब हम आ चुके हैं बिल्कुल नायग्रा फॉल के पास। नियाग्रा फॉल से आने के बाद अब हम काफ़ी भीग चुके थे और भूख भी काफ़ी लग चुकी थी, तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं और स्नैक्स ले लिए। हमारा ग्रुप है पूरा, फैमिली एंड बच्चों के फ्रेंड्स सब गीले हो रखे हैं, तो हमने आते वक्त की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मोबाइल्स वगैरह गीले हो रखे थे। इसके बाद हमने प्लान किया सीधा अपने घर जाने का, तो काफ़ी इंजॉय। सो दिस वॉज द कम्प्लीट पिकनिक कह लो या टूर कह लो या एक्टिविटी कह लो ऑफ नियाग्रा फॉल। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, मस्ट कम प्लेस, मस्ट विजिट प्लेस। राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं US वाला और राइट साइड में कैनेडा वाला फॉल्स। अमेजिंग क्रूज, अमेजिंग क्राउड, अमेजिंग वेदर। वन शुड मस्ट कम हेयर इफ़ यू आर इन कैनेडा। और जो भी टूरिस्ट कहीं बाहर से भी आते हैं, ये देखिए आप, जिप लाइन भी होती है यहाँ पे, लेकिन हमने नहीं की। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि हमें भी अच्छे अच्छे आगे वीडियो बनाने का हौसला मिले। और इसके कैनेडा के और भी ब्लॉग्स आते रहेंगे, कीप वॉचिंग। काफ़ी इन्जॉयमेंट करने के बाद पूरा ग्रुप अब हम निकल पड़े हैं अपनी अपनी गाड़ियों में घर पे, और इवनिंग होने वाली है, अब हम वहाँ पे जाके करेंगे डिनर।